स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेई मेन्स 2017 फिजिक्स का पेपर, और मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 46 की। ये मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं। एनर्जी लेवल में एक एनर्जी लेवल माइनस ई, माइनस 4/3 ई, माइनस 2E, माइनस 3E। जब कोई ट्रांजिशन माइनस ई से माइनस 2E पर होता है तो उसको अपन 1 से यानी कि लैम्डा 1 इसके कॉरस्पॉन्ड बात करेंगे, और जब ट्रांजिशन माइनस ई से माइनस 4/3 होगा तो हम इसके लिए ट्रांजिशन यानी कि नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के रेशियो कैलकुलेट करने हैं। हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स ई बाई लैम्डा। ओके, तो अगर मैं बात करूं, जब सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं पहले एनर्जी लेवल की यानी कि इसकी, तो हमारे यहां पर देखें तो माइनस ई से माइनस 2E में ट्रांजिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट माइनस ई माइनस माइनस 2E इज इक्वल्स टू एक्स ई बाई लैम्डा 1, दैट इज माइनस ई प्लस 2E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन नंबर 2 की, माइनस ई से माइनस 4/3 में हो रहा है, यानी कि द सेकंड सिचुएशन इसी के हिसाब से मैं डील करूंगा, तो दैट वुड बी सिंपली माइनस ई माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4E/3 इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज E/3 इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 2। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। 1 को 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। जब आप 1 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो ई एंड E/3 इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1 ओवर एच सी बाई लैम्डा 2। ये सब छमछम हो जाएगा, सो दिस 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, और आई कैन से दैट लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 is equals to 1/3। तो मैं कह सकता हूं कि इसके हिसाब से अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,